हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैंने आपको चार बात ऐसी बात बताऊंगी जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि मैं आज का वीडियो हिंदी से कह रहा हूं, थोड़ी सी तकलीफ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। चैनल को नया है तो जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर ऑल प्रेस करना, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। फर्स्ट आपको बताता हूँ IRCT एक नंबर, और दूसरा है IIBF एग्जाम, तीसरा है डाक सेवक, और चौथा है फूड ओडिशा, जो आपका जो राशन कार्ड जो अप्लाई होता है उड़ीसा में। ये चार बात लेकर आज का टॉपिक है, तो लास्ट पर जरूर देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। ये चार बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो शुरू करते हैं आज का चार टॉपिक। पहला नंबर वन, आपका जो IRCTC टिकट बुक करते हो अपना, आपने जो आप क्या करते हो ना, आपका खुद से जो IRCTC जो अकाउंट खुलवाया है उसमें ज़्यादा टिकट बुक करते हो, इसमें गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें आगे आपके कानूनी हो सकता है। इसलिए आपको स्पाइस मनी का टूर ट्रैवल पैकेज है रजिस्ट्रेशन करिए, IRCTC का रजिस्ट्रेशन जो CAC में चल रहा है वो से करिए, Pay Nearby RNFI उसमें भी IRCTC का रजिस्ट्रेशन। क्या इसमें क्या होता है ना, उनको आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है और आपको लाइसेंस मिलता है टिकट बुक करने के लिए, आपको कमीशन भी मिलता है। और दूसरा नंबर है IIBF एग्ज़ाम, अगर आपने अभी तक IIBF एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है तो तुरंत दे दीजिए, क्योंकि आगे के जाकर आपका जो जो फिंगर से जो पैसा निकालते हैं, जो BC की काम करते हो, बैंक के किसी भी बैंक के काम करने जा रहे हो, तो IIBF एग्ज़ाम सर्टिफिकेट जरूरी है। और तीसरा नंबर है आपका जो उड़ीसा में चल रहा है फूड उड़ीसा जो चल रहा है SFS जो साइट है, इसमें खुद जाकर भी रजिस्ट्रेशन करते हो अगर नया राशन कार्ड बनवाना है तो। इसमें लगेगा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और डीलर का नेम, और बाकी जो प्रोसीजर में देखा था आपने इसमें कर सकते हो। चौथा है आपका डाक सेवक, जो वेरी इंपॉर्टेंट आज का डेट पर है। 38,956 पोस्ट निकलवा आया है उड़ीसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2 मेंस ऑलरेड शुरू हो चुका है, 5 जून तक चलेगा तुरंत। ये क्या होता है ना, डाक सेवक का जो पोस्टल का GDS है ये डायरेक्ट पोस्टिंग होता है, और इसमें क्या कैटागरी है किस में और क्या क्या है, मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप देखिए। और इस तरह जो चार इन्फॉर्मेशन आज दिया हूँ मैंने, फुल उसका टॉपिक उनका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे चुका हूँ, आपके कोई जाने का जरूरत नहीं है, चेकआउट कर सकते हो। और मेरा अगर चैनल को अगर नया है तो सर ऑल दबाइए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास तुरंत चला जाएगा। क्योंकि मुझे हिंदी के थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उड़ीसा में रहने वाला हूँ, उड़िया में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, रहने से थोड़ी तकलीफ होगा ही। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।